ग्रेटर नोएडा के डीपीएस की छात्रा से रेप के बाद सोमवार को अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने उन्हें एसएमएस भेजकर संदेश दिया था कि यह सब अफवाह है, स्कूल में सब नॉर्मल है। सोमवार को डीपीएस स्कूल के खुलते ही बड़ी संख्या में नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, बीते शनिवार को ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप का सामने आया था। प्रकरण के कम से कम 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये क्रिमिनल एक्ट घटित हुआ है, FIR दर्ज हुई है और आरोपी पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें कोई दो नहीं।